नवरात्रि यानी नव दुर्गा की पूजा आराधना तप साधना का पावन नौ दिन। अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्र एवं चैत्र नवरात्र के बारे में ही जानकारी होती है, लेकिन ये दो नवरात्रि के अलावा एक नवरात्रि और भी होती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि भी साल भर में दो बार आता है। साल भर में हर छः माह में एक एक नवरात्रि आती है। एक चैत्र नवरात्रि है जो कि चैत्र माह में आता है, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरा छः महीने बाद आता है जो कि अश्विन माह में आता है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में विशेष प्रकार की पूजा से दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक विद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। इस नवरात्रि में मोक्ष की कामनाओं की प्राप्ति होती है। दूसरी नवरात्रि से क्यों अलग है गुप्त नवरात्रि, कब से कब तक है गुप्त नवरात्रि 2022, ये हम आगे बता रहे हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से संतों एवं साधकों के लिए है, जो दो प्रकार के प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं, जैसे चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि। इसमें पूजा पाठ व्रत के अलावा उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि केवल तंत्र साधना के लिए होता है। इसमें किसी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की होती है और गुप्त नवरात्रि साधकों की होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माता पार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली हैं। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा को जितनी ही गोपनीय के साथ किया जाता है, साधक पर देवी जी की उतनी ही ज़्यादा कृपा होती है। आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है। 30 जून गुरुवार 2022 से गुप्त नवरात्रि शुरू होकर 9 जुलाई शनिवार 2022 तक रहेगा। अब आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि में किन आसान उपाय से हम देवी माँ की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त करके क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। यदि घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है तो घर से रोग का नाश होता है, बीमारियां घर से भाग जाती हैं, रोग से मुक्ति मिलती है। पूजा इस प्रकार है, देवी माँ को प्रतिदिन लाल फूल अर्पित करें। गुड़हल का लाल फूल देवी माँ को बहुत प्रिय है। फूल अर्पित करने के बाद ओम क्रीम कालिकाए नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, माँ काली का ध्यान करना चाहिए। इससे सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। किसी वाद विवाद या मुकदमा, दुश्मनी या कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो गूगल का धूप, धूनी बना के गूगल का, और उस धूप को देवी माँ के सामने दिखाएं। इससे वाद विवाद एवं कर्ज से छुटकारा मिलता है। नौकरी एवं व्यवसाय में यदि कोई समस्या है तो माँ दुर्गा को लौंग एवं बतासे चढ़ाएं। ऐसा करने से नौकरी व्यापार व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को सफलता मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए 9 दिन तक माँ दुर्गा को पान का पत्ता चढ़ाएं। ध्यान रहे कि पान का पत्ता कटा या फटा नहीं होना चाहिए। अगर विवाह में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो 9 दिनों तक माँ दुर्गा को पीले फूलों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह शीघ्र संपन्न होता है। यह सब उपाय गृहस्थ जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए हमने बताया है, जो कि बहुत आसान उपाय है, जो लोग बहुत आसानी से देवी माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा तंत्र साधना, जो कि बहुत ही कठिन होता है, जो गुप्त नवरात्रि में सिर्फ साधक तपस्वी तांत्रिक साधना करने वाले लोग ही कर सकते हैं, यह सभी लोगों को नहीं करना चाहिए। तो यह थी गुप्त नवरात्रि के बारे में विस्तृत जानकारी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें।